नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग नमस्कार के माध्यम से, जी न्यूज़ के माध्यम से हम नियमित रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके प्रश्नों के समाधान, आपकी समस्याओं के समाधान लेकर के आ रहे हैं। लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, फेफड़ों की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं, ऐसे में क्या करें कि सांस ढंग से आए, ऐसे में क्या करें कि क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब पहलुओं पर हमने बात की है। पर आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मानसिक स्वास्थ्य। अगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने तन की लड़ाई भी लड़ पाएंगे इस महामारी से। लेकिन जब हम अपने आसपास इतनी नेगेटिविटी देखते हैं, हम अपने आसपास अपने प्रियजनों को जाते देख रहे हैं इस बीमारी के कारण, अपने जानने वालों को जाते देख रहे हैं, खोते देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हिम्मत हार जाते हैं, हम मन से हार जाते हैं, मन से टूट जाते हैं। पर ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और ये पॉजिटिविटी ही हमें इस महामारी की जंग से जीतने की क्षमता देगी। आज मैं आपसे कुछ ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू शेयर कर रही हूँ जिसके माध्यम से आप मेंटल हेल्थ पा सकते हैं, मेंटली स्वस्थ रह सकते हैं। पहली चीज़ जो सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी अब आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। हम सोचते हैं योग अभ्यास क्या करना, एक्सरसाइज क्या करनी, घर पर ही तो है। ऐसा नहीं करेंगे, नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे, और जो योग की क्रियाएं हमने योग नमस्कार में आपको सिखाई हैं उनका नियमित अभ्यास करेंगे। दूसरा काम, सुबह और शाम दो वक्त मेडिटेशन ज़रूर ज़रूर करेंगे। मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योग। जब हमने कह दिया योगाभ्यास करना है तो इसका मतलब ही है कि मेडिटेशन भी करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन इज़ डिफरेंट, योग इज़ डिफरेंट। तो दो बार दिन में कम से कम ध्यान का अभ्यास ज़रूर करें, जिसमें आप सुगमतम तरीका ले सकते हैं, जाप कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं, आप बस लेट जाइए और पूरे शरीर को रिलैक्स करना, कोई लाइट म्यूज़िक पीछे लगा लीजिए सूदिंग सा, इस तरह से बहुत ईजी मेडिटेशन टेक्निक्स भी कर सकते हैं। और योग नमस्कार के माध्यम से हमने योग निद्रा भी आपसे कई बार साझा किया है, जिसके वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से योग निद्रा को भी फॉलो कर सकते हैं। तीसरा काम, आपको एक रूटीन बना करके उसे फॉलो करना होगा। जब हम घर से काम करते हैं या जब हमारे आसपास कुछ बहुत सूदिंग सा नहीं होता, कुछ ऐसा होता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, तो सबसे पहले हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपना एक रूटीन बनाइए एंड मेक श्योर कि आप उस रूटीन को फॉलो करें। इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ये बहुत बहुत आवश्यक है। चौथा काम जो बहुत आवश्यक है वो ये है कि आप प्रातःकाल उठिए और उठ करके सनलाइट लीजिए। सन हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का सोर्स है, इनफैक्ट सन हमारे जीवन में लाइफ का सोर्स है। इसलिए आपकी हर शारीरिक, ये उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है जो जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं या जो आइसोलेशन में हैं। तो मेक श्योर कि आप सनलाइट लें, मॉर्निंग सनलाइट, और 40 मिनट कम से कम सूर्य की किरणों में ज़रूर बैठें अगर आप अपना मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखना चाहते हैं। पांचवा काम ये कि समय से सोएं और समय पर जगें। बहुत सारे लोग इस वक्त टेलीविज़न देखते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, यूजलेस माइंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हैं फ़ोन पर, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर सोएं, समय पर जगें, अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं। छठा काम ये कि आप अपने आहार का ध्यान रखें। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन और वैसा होए जीवन। मेक श्योर कि अगर आप घर पर हैं तो आप सिर्फ अपनी क्रेविंग्स ख़त्म नहीं कर रहे, कभी केक बना के खा रहे हैं, मैदे मैदा मैदा एंड लॉट ऑफ अदर फूड विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। क्योंकि आपको समझना होगा कि जब आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो ये आपके अंदर एसिड उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है, और गैस और एसिडिटी में सबसे पहले हमारी सांस इफेक्ट होती है, और हम कहते हैं जी घबरा रहा है, सांस नहीं आ रही है, उल्टी जैसी आ रही है। तो ऐसे में सांस ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप सात्विक आहार लें, मेक श्योर कि आप विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स लें, आप मैग्नीशियम लें, आप जिंक लें अपनी डाइट में, और आप जो रॉ फूड्स हैं वो लें, और जो सात्विक आहार है उसका सेवन करें।
सातवां काम बहुत बहुत मुख्य है और वो काम ये है कि कोई भी एक चीज़ हम सबके पास होती है जो जिसके करने से हमें खुशी मिलती है। किसी के लिए वो डांस हो सकता है, किसी के लिए वो म्यूज़िक हो सकता है, किसी के लिए वो कॉमिक्स पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए वो ड्रम्स बजाना हो सकता है, किसी के लिए वो पेंटिंग हो सकता है। सो फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट यू लव डूइंग मोस्ट। जब आप बच्चे थे तो आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद था, उस काम के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट प्रतिदिन ज़रूर निकालिए। अगर आप आधा घंटा निकाल सकें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालें, ये बहुत बहुत आवश्यक है। और आठवां और अंतिम काम ये कि इंडल्ज इन एनी वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इंडल्ज ज़रूर होइए। वो कुछ भी हो सकता है, वो यज्ञ हो सकता है, वो चैंटिंग हो सकता है, वो प्रेयर्स हो सकती हैं। एनी वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच यू फाइंड कन्वीनियंट एंड विच यू फाइंड कम्फर्टेबल, विच यू फाइंड इज इफेक्टिव टू यू, उसका अभ्यास ज़रूर करें। तो इन आठ सूत्रों के माध्यम से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं। देखते रहें योग नमस्कार जी न्यूज़ पर, और अगर आपके मन में प्रश्न है तो हमें ज़रूर भेजिए। Presenting VNews app, available on Google Play and App Store. Download it now.